अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब पहले से होंगे। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। गुड आफ्टरनून। 3 बज रहे हैं क्योंकि मैं ऊपर गई हुई थी कपड़े धोने के लिए। अभी आई हूँ, बस रोटी बना रही हूँ बच्चों के लिए क्योंकि बच्चों को लग रही होगी भूख। सुबह नाश्ता किया हुआ है, नाश्ता भी इन्होंने हल्का ही किया था, बिस्किट खाए थे लोगों ने नाश्ते में ना बच्चों ने, तो अब भूख लग रही होगी जहर से। मतलब 3 भी बज रहे हैं तो मैंने सोचा चलो जल्दी से आके फटाफट रोटी बनाऊँ। भूखे हैं, मैं भी भूख, मुझे भी भूख लग रही है बहुत शदीद ना, तो रोटी बनाती हूँ मैं, फिर बात करती हूँ आपसे। A few moments later. तो रोटी मैंने बना ली, जल्दी जल्दी बना ली मैंने। और अब सालन तो क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाया था ना चिकन का, तो वही है अच्छा खासा, तो मैंने सोचा चलो इसी को गर्म करेंगे और यही खाएंगे। रोटी बना ली मैंने, 3:30 हो गए हैं, बच्चों को भी भूख लग रही है। चलो अब्दुल्ला आ जाओ खाना खा लो, इमान खाना खा लो। तो फ्रेंड्स आज के शाम के चाय के साथ बनाते हैं कचौरी। कचौरी बनाते हैं, बच्चे भी खा लेंगे, सारा सामान भी मौजूद है। बनाती हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ कैसे बनती है कचौरी। जी फ्रेंड्स, ये है मैदा, इसके अंदर मैंने हसबे जायका नमक डाला है और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ ऑयल। ये मैंने इसमें 2 भर के डाल दिए इसमें ना ऑयल के। इसको गूंदना है कम पानी डाल के ना, बिल्कुल ये खास से नहीं हो रहा, मैं कैमरा बंद करके ही गूंदती हूँ दोनों हाथों से। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल कम ऑयल में इसको जो है ना समेट दिया है। अब इसको इस तरह मुक्कियाँ लगानी है, हेयर टाइट ही देखें ना, टाइट है और ना नर्म है, मतलब नॉर्मल है ये ना। इसको मैं मुक्कियाँ लगा लगा के इस तरह कर दूँगी कि जैसे ये भी ड्राई नज़र आ रहा है ना, तो इसका ना ऑयल जो है ना वो छूट जाएगा। ऑयल मतलब ये चिकना चिकना हो जाएगा, ये भी चिकना नहीं है, ये ड्राई ड्राई है ना। तो अभी इसको एक हाथ से तो मुझसे नहीं हो रहा, मैं दोनों हाथों से करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। गूंदने के बाद इसको शॉपर में इस तरह करके रख दें 10 मिनट के लिए, और ये फिर रेडी टू कुक हो जाएगा, मतलब रेडी टू कुक हो जाएगा, पकाने के लिए तैयार हो जाएगा। बाकी का प्रोसीजर मैं अभी आपको मतलब दिखाती रहूँगी जो जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और दिखाते हैं एक मिनट। जी फ्रेंड्स, तो ये है दाल, माश की और मूंग की दाल, इसमें स्पाइसेस करे हुए हैं, और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, ठीक है ना। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हुए हैं ये तो मुझे मालूम है, लेकिन क्योंकि मुझे अभी इस वक्त ये अम्मी ने बनाकर भेजी थी अभी कुछ दिन पहले, तो मैं अभी नहीं बता रही। जब मैं खुद से तैयार करूँगी ना इसको, फिर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी कि इसमें क्या क्या डलता है, ठीक है। तो अभी मैं बना रही हूँ कचौरियाँ। ये मैदा मैंने गूंद के रखा है इसके लिए, कचौरियों के लिए, और ये है दाल। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल की कचौरियाँ। जी फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं, ये जो है ना पहले बिल्कुल ड्राई ड्राई था ना, अभी ये थोड़ा चिकना हो गया है, ये शाइनिंग नज़र आ रही होगी आपको इस पर। तो अब हम इसको बनाते हैं और बनाने का तरीका बताती हूँ आपको।
फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं कहीं पर, अभी ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। देखो कहाँ लेके जाते हैं, कह तो रहे कहीं ले जाने का। आज हम आए हैं पोर्ट ग्रीन, पोर्ट ग्रैंड, अच्छी जगह है। आज हम आए हैं पोर्ट ग्रैंड। कल बच्चे आप वगैरह तो हम लोग खा कर आए थे, और हम तो चलो यहाँ पे आके चाय पी लेते हैं। चाय तो सब जगह चलती है ना, इसलिए स्पेस बड़ी प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, आउट क्लास जगह है। जी फ्रेंड्स, तो आज हम चले गए थे पोर्ट ग्रैंड। खाना तो हम लोग खाकर गए थे, क्योंकि मैंने पुलाव बनाया था, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो मतलब पुलाव तो मतलब बनता ही रहता है, उसमें मतलब बताती रहती हूँ पुलाव बनाया। आज मैंने पुलाव बनाया था, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं क्या वीडियो बनाऊँ उसकी, मतलब हर वक्त ही पुलाव बनता है। तो आज हम गए थे पोर्ट ग्रैंड, वहाँ पर बहुत मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया, एकदम आउट क्लास जगह है, ज़बरदस्त जगह है, और ना बहुत मज़ा आया आज हम लोगों को ना, मैं ये और अब्दुल्ला, हम तीनों गए थे। अभी हम लोग सिर्फ ऐसे ही टूर करने के लिए गए थे कि जगह कैसी है, अब जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो बाकी बच्चों को भी लेकर जाएंगे। तो मैं तो इनसे कह रही थी कि बच्चों को भी ले लें, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, पहले हम देख कर आते हैं कि जगह कैसी है, फिर बच्चों को लेकर चलेंगे। लेकिन जगह आउट क्लास जगह है, ज़बरदस्त जगह है, बहुत मज़ा आया मुझे। तो हम लोग खाना वाना खा के ऐसे निकल गए थे घूमने के लिए, इन्होंने बोला चलते हैं, लेकर चलता हूँ तुझे, हफ्ते का दिन है ना, तो हम लोग निकल गए थे, चले गए थे। और लेकिन मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया। तो अभी हम आकर बैठे हैं 2:15, तो क्या कहते हैं, अब फ्रेंड्स ब्लॉग एंड कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 2 बज रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं भी करते हैं एंड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।